बच्चों अस्सलाम वालेकुम, आई एम जैनब इस्लाम खान, योर ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर। आज लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट हुआ है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो आफ्टर न्यूमेरिकल्स हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवेजियर। ये लॉ किसने दिया? लेवेजियर ने दिया है। कब दिया है? 1785 के अंदर इसने ये लॉ प्रेजेंट किया है। इसके स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ कहता क्या है? मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। इट मींस ड्यूरिंग केमिकल चेंज, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि केमिकल चेंज के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट, द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे लाइन ऐड कर लीजिएगा आप लोग, द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मतलब? मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई भी केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो इनिशियल मास है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, दो सब्सटेंसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स, वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जब वो केमिकल कंपोजिशन उनकी चेंज हो जाती है तो वो क्या बन जाते हैं? वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जो इनिशियल मास है रिएक्टेंट्स का, वो किसके बराबर होगा? ड्यूरिंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होने के बाद जो उसका इनिशियल मास है इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसके स्टेटमेंट का यही मतलब है, ड्यूरिंग केमिकल चेंज द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसके स्टेटमेंट का यही मतलब है। इसकी अब हम प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन इसलिए किसने किया है? लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू की गई है, वो आपको अभी हम समझा रहे हैं। जी बच्चों, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं बाय लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट। ये पेपर में लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आता है। ये क्या कह रहा है? इन्होंने एक एच शेप ट्यूब लिया है, having two limbs A and B. इसके two limbs हैं A and B. तो two limbs हैं A and B. As shown in the figure, जैसे आप figure पे देख सकते हैं, the limb A was filled with AgNO3 solution. जो limb A है, वो किससे filled है? AgNO3 solution से. And the limb B was filled with HCl. और जो limb B है, वो HCl से filled है. HCl solution से फिल है। The upper portion of the limb were sealed, जो इसका upper portion है वो sealed हुआ हुआ है, to avoid the escaping of any material। किस लिए इसको seal किया था? ताकि कोई भी material इसमें से skip ना हो सके, जाया ना हो सके। Both solution are colorless, जो दोनों solution है हमारे पास वो colorless है, इनका कोई color नहीं है। The egg-shaped tube was weighed in vertical position. इसको vertical position में हमने रखा हुआ है। तो जो egg-shaped tube है, इसको हमने vertical position में रखा हुआ है। To avoid mixing the solutions. क्यों रखा हुआ है? ताकि ये जो दोनों solution है, mix ना हो सके। अगर हम इसको horizontal रखेंगे, तो ये mix हो जाएंगे। किसलिए इसको हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है? टू अवॉइड मिक्सिंग द सॉल्यूशन, ताकि मिक्स जो भी मिक्सचर है यहाँ पे सॉल्यूशन है वो मिक्स ना हो सके, सॉरी मिक्सर नहीं है सॉल्यूशन है। किसलिए रखा हुआ है? ताकि सॉल्यूशन मिक्स ना हो सके। द ट्यूब वॉज देन इन्वर्टेड एंड शेकिंग टू मिक्स द टू सॉल्यूशन। फिर हम जो ये ट्यूब है इसको हम इन्वर्ट करते हैं, इसलिए एंड शेकिंग, और उसको शेक करते हैं टू मिक्स द टू सॉल्यूशन, ताकि ये दोनों सॉल्यूशन जो है मिक्स हो जाए। इसको हम इन्वर्ट करके शेक करते हैं और फिर ताकि दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाए, द फॉलोइंग सॉल्यूशन टू प्लेस, और फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं।
तो हमने जब उसको शेक किया तो हुआ क्या, AgNO3 जो एक्वस सॉल्यूशन था प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक जो यहां पे सॉल्यूशन था वो ड्यूरिंग मिक्सिंग जब ये मिक्स हो गया तो ये क्या बन गया, AgCl प्लस HNO3, AgCl बना और प्लस HNO3, यहां से ये मिक्स हो गया AgCl प्लस HNO3, AgCl प्लस HNO3, AgCl क्या बन गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखें कैसे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl, जैसे ये AgCl बना तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमें मिले, द एंटायर ट्यूब बिकेम व्हाइट, ये जो पूरी ट्यूब थी ये क्या हो गई, व्हाइट हो गई। द एच शेप वाज रेड अगेन इट वाज ऑब्जर्व दैट द टोटल मास, इसको हमने दोबारा यहां पे रखा एच शेप को वर्टिकल पोजीशन पे और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व हुआ द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का टोटल मास था बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, किसके इक्वल था, ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन, ये ऑब्जर्व हुआ, जो ऑब्जर्व हुआ आफ्टर इसके मिक्सिंग कि जो बिफोर रिएक्शन जो सब्सटेंस का टोटल मास था वो इक्वल है किसके, आफ्टर रिएक्शन सब्सटेंस के टोटल मास के बराबर है। हमने यही स्टेटमेंट पढ़ी थी उसकी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी इन्होंने भी यही कहा, इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व होता है दैट टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन, इन्होंने भी यही कहा कि ये ऑब्जर्व हुआ इस रिएक्शन के दरमियान कि दोनों मासेस जो है वो इक्वल है। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।